यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 23 और 24 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु यहूदी लोगों के साथ बातें कर रहा है और वे उसे बार बार अलग अलग सवाल करते जा रहे हैं। यीशु मसीह बड़े सामर्थ के द्वारा अद्भुत काम दिखा रहा था और साथ ही साथ स्वर्ग की शिक्षा उनको दे रहा था। अद्भुत काम प्रभु के हाथों के द्वारा होते हुए वहाँ के यहूदी लोग देख रहे थे, जैसे कि अंधे की आंखें खुलते जा रही थी, गूंगे बोलते थे, बहिरे सुनते थे, लंगड़े चलते थे। ये सारे अद्भुत काम और दुष्टात्मा यीशु को देखते ही कांपती थी, डरती थी, निकल जाती थी लोगों के अंदर से। और प्रभु यीशु उनको स्वर्ग की बातें भी सिखा रहा था। जब ये चल रहा था, साधारण लोग यीशु पर विश्वास करते थे और मानते थे कि यही मुक्तिदाता है, यही मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने हमको कहा है और जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, राह देख रहे थे, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने सैकड़ों साल पहले हमसे की थी, वही मसीहा आया है, मुक्तिदाता आया है, ऐसा साधारण लोग विश्वास कर रहे थे। पर जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे और अपने आप को धर्मी समझते थे, वे लोग यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे और बार बार उसको सवाल करते जा रहे थे। तब यीशु के उनके साथ हमेशा बहस होती थी, चर्चा होती थी और एक समय की बातें यहाँ पर लिखी गई है। वे प्रभु यीशु को पूछ रहे थे, बता रहे थे, प्रभु यीशु से कई बातें जानना चाहते थे और तभी प्रभु ने उनको ये बात बताई है कि तुम नीचे के हो अर्थात धरती के हो, मैं ऊपर का हो यानी स्वर्ग का हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हो। और आगे प्रभु कहता है, तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुमने विश्वास नहीं किया कि मैं वही हूं तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण और स्वीकारने के लिए, ग्रहण के लिए कठिन बात यीशु ने उनको बताई है। तुम नीचे के लोग हो, तुम धरती के लोग हो, तुम संसार के लोग हो, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं नीचे का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ। इसका मतलब प्रभु ने साफ बता रहा था कि मैं तुम्हें इंसान के रूप में दिख रहा हूँ, पर मैं इंसान नहीं हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कौन अपने आप को बोल सकता है कि मैं स्वर्ग का हूँ, मैं ऊपर का हूँ? कौन बोल सकता है? जो है वही तो बोल सकता है। दुनिया भर में कितने सारे लोग हैं, गरीब है या अमीर है, पर क्या कोई बोल सकता है मैं ऊपर का हूँ? देश देश में विज्ञान की बड़ी तरक्की हो रही है और लोग चांद के ऊपर जाते हैं और बड़े खुश होते हैं, हम पहुंच गए कहाँ, चांद के ऊपर। पर स्वर्ग यानी चांद नहीं है, स्वर्ग यानी हम जो देख रहे हैं वो कोई प्लैनेट नहीं है। यीशु कहता है मैं ऊपर का हूँ। दुनिया का कोई भी मनुष्य
इस तरीके से बात नहीं कर सकता है कि मैं ऊपर का हूँ। भारत का कोई मनुष्य नहीं बता सकता है, ना ही अमेरिका का, ना ही इंग्लैंड का, किसी भी बड़े देश का या प्रगत देश का व्यक्ति रहेगा वो भी नहीं बोल सकता है कि मैं ऊपर का हूँ। एक ही बोल सकता है जिसने आसमान और धरती को बनाया है और जो स्वर्ग में सिंहासन के ऊपर विराजमान है। वो स्वर्ग से उतरा मनुष्य रूप लेकर, और इसीलिए वो बोल रहा है कि तुम नीचे के हो, तुम संसार के हो, तुम धरती के हो, मैं धरती का नहीं हूँ, मैं ऊपर का हूँ, यानी स्वर्ग का हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यही बात उनको हजम नहीं हो रही थी। ये तो इंसान की तरह दिखाई देता है, हमारी तरह हाथ है, पैर है, आंखें है, मुंह है, हमारी तरह बोलता भी है, खाना भी खाता है, थकता भी है, बिल्कुल सारी बातें हमारी तरह नजर आ रही है और बोल रहा है कि मैं ऊपर का हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे इससे भी कठिन वचन वो बता रहा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुमने विश्वास नहीं किया कि मैं वही हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा तुमने यदि विश्वास नहीं किया तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, यानी खुद परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया, और जब वो धरती पर आया एक मकसद के लिए आया था, मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान करने के लिए आया था। वो मुक्तिदाता बनकर आया था, और मुक्तिदाता बनकर उसने हमारे पापों को उठाया, क्रूस पर बलिदान किया, हमारे लिए उसने लहू बहाया, वो क्रूस पर मर गया। यीशु कहता है यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वो हूँ तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। जब यीशु मनुष्य रूप में था उसके आसपास कितने सारे लोग होंगे, हजारों की संख्या में भीड़ हमेशा उसके पास लगी रहती थी। हम में किसी ने प्रभु को मानवीय रूप में देखा नहीं है। 2000 वर्ष पहले जब यीशु धरती पर था हम में से किसी ने नहीं देखा है, ना ही हमारे बाप दादों ने देखा है, पर ये लोग जिन्होंने यीशु को देखा अपनी आंखों से, उसके कामों को देखा, उसकी वाणी को सुना, वचन को सुना, क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे? क्या उन सब लोगों का उद्धार हो जाएगा? क्या ये सारे लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? हम तो यीशु को आज तक देखे नहीं है, अपने इन आंखों से देखा नहीं है, पर उन लोगों ने यीशु को देखा, क्योंकि वो मानव का रूप लेकर जन्मा था, एक बालक की तरह पैदा हुआ था, बचपन से लोग उसको देख रहे थे। जब वो 30 साल का हो गया उसने अपने काम का आरंभ किया, बड़े बड़े अद्भुत काम वो करने लगा और स्वर्ग की महान शिक्षा देने लगा। लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, पर सत्य ये है कि वे सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु कहता है यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वह हूँ तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को तुमने जरूर देखा, जरूर सुना, जरूर उसके कामों को देखा, उसकी बातों को सुना, पर तुमने यीशु को क्या रूप में पहचाना और क्या करके ग्रहण किया, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हजारों लोग हर दिन यीशु को देख रहे थे, पर उन्होंने अपने मन में क्या कहा था कि ये कौन है, यीशु को किस रूप में पहचाना था
और किस रूप में उस पर विश्वास किया था या उस पर उसको ग्रहण किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा तुम विश्वास न करोगे तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। इसीलिए यीशु ने एक बार अपने चेलों को पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मनुष्य के पुत्र के बारे में अर्थात यीशु के बारे में लोग क्या कहते हैं। तो चेलों ने कहा, कोई तुम्हें ये संदेष्टा वो संदेष्टा यानी नबी के बारे में, भविष्यवक्ता के बारे में बोलते हैं कि तुम ऐसा एक भविष्यवक्ता हो, वो भविष्यवक्ता हो, और कोई कहते थे बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना जिसको राजा ने मार डाला, उसका सर कटवा कर वहीं जीवित हो गया है शायद, और इसीलिए वो इतने बड़े बड़े अद्भुत काम दिखा रहा है। लोग अलग अलग रूप में यीशु को पहचानते थे। यीशु कहता है, लेकिन तुम मुझे क्या जानते हो, तुम्हारे अंदर मेरी पहचान क्या है। और प्रभु का प्रमुख चेला पत्रस कहा, उसने कहा, प्रभु जी तुम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीहा हो। हाँ, ये यीशु की सच्ची पहचान है, और इसी रूप में हमें पहचान कर यीशु को ग्रहण करना है। जब तक ये नहीं होगा, हम क्या भविष्यवक्ता बोलेंगे या उसको एक बड़ा आदर देकर एक बड़ा शिक्षक के रूप में देखेंगे, बड़ा गुरु कहेंगे, कोई फायदा नहीं है। यीशु के ज़माने भी वही चल रहा था, आज भी वही हो रहा है। लोग कहते यीशु वो एक बड़ा शिक्षक था, एक महान गुरु था, एक सम्मानित व्यक्ति था, एक अच्छा आदमी था। आप यीशु को क्या समझते हो इस पर निर्भर है कि आप पापों में मर जाओगे या अनंत काल तक जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने यीशु को किस रूप में पहचाना, क्या कहकर आपने यीशु को पहचाना है, और किस रूप में आपने यीशु को ग्रहण किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। कितने लोग प्रार्थना में आते हैं इसलिए कि यीशु के पास प्रार्थना करने से चंगाई होती है, तो वे आते हैं, चंगाई पाते हैं, फिर अपनी जिंदगी बिताते हैं, दोबारा कोई बीमारी आ गई, दोबारा यहाँ आते हैं। जैसे कि हम अस्पताल में जाते हैं या दवाखाना में जाते हैं, वैसे कई लोग प्रार्थना घर में आते हैं। यानी कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, प्रार्थना में आने का, बिनती लिखकर प्रभु के चरणों के पास रखने का, हो गया मंच पे आके गवाही देने का, वापस जाकर अपनी ज़िंदगी बिताने का, फिर से समस्या शुरू हो जाएगी, फिर से बीमारी आएगी, दोबारा प्रार्थना घर में आओ, प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि आपने यीशु को इस रूप में देखा है, वो एक चंगा करने वाला है, या हमारी समस्याओं से बाहर निकालने वाला है, वो हमारे दुखों से हमें बाहर निकालता है, बीमारी निकाल देता है, दुष्टात्मा निकाल देता है। आपने यीशु को इस रूप में पहचाना है। पर यीशु कहता है, यदि तुम यह विश्वास न करोगे कि मैं वह हूँ, तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को महान गुरु समझने वाले लोग दुनिया में बहुत है, पर कोई गुरु हमें पापों से मुक्ति नहीं दे सकता है। यीशु को एक भला आदमी के रूप में पहचानने वाले लोग दुनिया में बहुत है, पर कोई भला मनुष्य हमें पापों से छुटकारा नहीं दे सकता है। तो यदि आप यीशु को भला मनुष्य समझ रहे हैं और उस रूप में उसको देख रहे हैं, तो आपके लिए पापों की क्षमा नहीं है। यदि आप यीशु को एक गुरु के रूप में देख रहे हैं, तो आपके लिए उसके द्वारा पापों की क्षमा नहीं है। या यीशु की और भी कोई आपको पहचान है कि वो चंगाई देता है, वो समस्याओं से बाहर निकालता है, वो दुखों से बाहर निकालता है, यहाँ तक ही आपकी पहचान सीमित है, और आपने ऐसा ही उस पर विश्वास किया है कि वो चंगा करता है, वो छुटकारा देता है या दुखों से बाहर निकालता है, उतनी ही आपकी पहचान सीमित है, तो वो आपको मिल जाएगा। चंगाई मिलेगी, समस्याओं से बाहर आओगे, आशीर्वाद मिलेगा,
पर पाप की क्षमा नहीं मिलेगी जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करोगे कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, यानी मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मसीहा है, वो मुक्तिदाता है, ये यीशु की सच्ची पहचान है। वो मनुष्यों का मुक्तिदाता है, वो हमें पापों से छुड़ाता है और पापों से शुद्ध करके उसके लहू के द्वारा हमें पापों से शुद्ध करके वो हमारे पापी आत्मा को धर्मी बना देता है, हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटा देता है, ताकि धरती की जिंदगी खत्म होने के बाद हमारा प्रवेश स्वर्ग में हो जाए और हम अनंत काल परमेश्वर के साथ बिताए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बोलोगे यीशु एक अच्छा गुरु है, तो एक गुरु के द्वारा जो मिलता है वो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रभु की अच्छी बातें आप सुनोगे, उनमें से आपको जितनी अच्छी लगेगी उतने आप लोगे, बाकी की बातें छोड़ दोगे। यदि आप कहोगे यीशु एक भला आदमी है, तो एक भले इंसान के द्वारा जो फायदा होता है उतना आपको हो जाएगा। यदि आप कहेंगे यीशु चंगा करने वाला है, तो आपको चंगाई मिलेगी। यदि आप कहेंगे यीशु हमें दुखों से मुक्ति देता है, तो यीशु आपको दुखों से मुक्ति देगा। पर जब तक यीशु कहता है आप यह विश्वास न करोगे कि मैं वो हूँ, तुम अपने पापों में मर जाओगे। कैंसर ठीक होने से हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, डायबिटीज ठीक होने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नौकरी में बढ़ोतरी मिलने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बिजनेस बढ़ने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सोना चांदी जमीन जायदाद पाने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में जाना है तो पापों की क्षमा मिलनी जरूरी है। जब पापों की क्षमा मिलती है, तब ही हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाता है और जीवन की किताब में हमारे नाम को लिखा जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धरती के कोई भी मनुष्य का नाम स्वर्ग के जीवन की किताब में कब लिखा जाता है? जब उसे पापों की क्षमा मिलती है। पापों की क्षमा, ध्यान से सुनो, चंगाई महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे दुखों से बाहर आना महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि बीमारी यदि आपके जीवन में है तो उसको रहने दो, संकट या परेशानी है तो उसे आपके जीवन में रहने दो, नहीं। प्रभु हमें इससे भी छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है हम हंसते रहे, हमारे जीवन में शांति रहे, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, हम कमज़ोर नहीं बल्कि बलवान बन जाए, सामर्थ्यशाली बन जाए, एक दुर्बल जीवन नहीं सामर्थ्यशाली जीवन बिताए, ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई कई लोग हमेशा बीमार रहते हैं, हर दिन देखो उनका चेहरा गिरा हुआ रहता है, गिरा हुआ हमेशा। आज सर में दर्द है, एक सप्ताह तक सर दर्द की वजह से चेहरा गिरा हुआ रहता है। सर दर्द के बाद कमर दर्द शुरू होता है, 3-4 दिन कमर दर्द में जाते हैं, वो ठीक होने से पहले पैर में दर्द शुरू होता है। हर दिन उनके साथ कोई ना कोई बीमारी रहती है, दोस्त बनकर बीमारी हमेशा रहती है, नहीं तो किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, मन में शांति नहीं होती है। और ये मैं आपको नहीं बता रही कि इन सारी बातों को अपने साथ रख देना, नहीं, परमेश्वर हमें इससे छुड़ाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि हम एक आशीषित जीवन बिताए, सामर्थ्य से, खुशी से और शांति से भरा हुआ जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर इन सबों से महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने जिंदगी के सारे पापों की क्षमा मिलना और अपने आप को धर्मी बनाना जरूरी बात है, क्योंकि यदि पापों की क्षमा नहीं हुई है तो हमारी चंगाई या हमें जो आशीष मिले हैं उनका हमें ज़्यादा समय तक कोई लाभ नहीं हो सकता।
जब किसी का कैंसर प्रार्थना में ठीक होता है तब उस मनुष्य का नाम स्वर्ग में लिखा नहीं जाता है। किसी का डायबिटीज ठीक होता है तो उसका नाम स्वर्ग में नहीं लिखा जाता है। किसी को अपनी समस्या से छुटकारा मिला है तो उसका नाम स्वर्ग में नहीं लिखा जाता है। पर धरती पर जब किसी मनुष्य को पाप की क्षमा मिलती है तब तुरंत उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाता है और जीवन की किताब में उसके नाम को लिखा जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक प्रार्थना सभा में जहां जहां यीशु के नाम से लोग इकट्ठा हुए हैं, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में, कौन से भी कोने में हो, सैकड़ों, हजारों या लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, और ऐसी प्रार्थना सभा में जैसे कि अनुग्रह की नदी बहती है, उस तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह बहते रहता है। लोग बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, समस्याओं से, दुखों से मुक्त हो जाते हैं, उनके जीवन में खुशी आ जाती है। पर उनमें से उनके ही नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखे जाते हैं जितनों को पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए पापों की क्षमा पाना बहुत जरूरी बात है। पर यीशु कहता है यदि तुम यह विश्वास न करोगे कि मैं वो हूँ तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। जब तक तुम यीशु को मसीहा यानी मुक्तिदाता के रूप में नहीं पहचानोगे, न विश्वास करोगे और न ग्रहण करोगे तब तक तुम्हारे लिए पापों की क्षमा उपलब्ध नहीं है और तुम अपने ही पापों में मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण वचन है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ हम यीशु को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, हमारा भी विश्वास है, हमारा भी विश्वास है। क्या विश्वास है, ये महत्वपूर्ण बात है। आप यीशु को मानते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, आपने क्या विश्वास किया है, क्या करके आप यीशु को मानते हैं? वो चंगाई देने वाला है, बस आपको उतना ही मिलेगा। वो समस्याओं से मुक्ति देता है, बस आपको उतना ही मिलेगा। जब तक आप यीशु की सच्ची पहचान नहीं कराओगे और सच्चे रूप में उसको ग्रहण नहीं करोगे, आपको पापों की क्षमा नहीं मिल सकती है। और जिनको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी उनके लिए बहुत आगे का समय कठिन है, यानी मरने के बाद का समय कठिन है, क्योंकि जो अपने पापों में मर जाएंगे उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद रहेगा। वे कभी परमेश्वर के घर में नहीं पहुँचेंगे और उनके लिए दूसरी जगह बाइबल में लिखी गई है जो है नरक, अनंत काल का अग्नि, और वहाँ जाने वाली आत्माएं अनंत काल तक वहाँ तड़पती रहेगी। उनको बचने के लिए या बाहर आने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु यहूदी लोगों के सामने सारी बातें खुलकर बता रहा था तो भी वे विश्वास नहीं कर रहे थे और बार बार बता रहे थे सच बता, ठीक से बता, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या तू मसीहा है, क्या तू उद्धार करता है, क्या तू मुक्तिदाता है, बार बार पूछ रहे थे। पर यह वचन बताने से पहले ही यीशु ने कहा था मैं ही संसार की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में न चलेगा, उसके भीतर जीवन की ज्योति रहेगी। इतना साफ खुलकर बताया तो भी बार बार पूछते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? सच्चाई ये थी कि उनके मन कड़क बन गए थे और वो यीशु पर विश्वास करना नहीं चाहते थे, यीशु को ग्रहण करना नहीं चाहते थे। और इसलिए यीशु उनको बड़ी स्पष्टता से कह रहा है कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा कि तुम अपने पापों में मर जाओगे, क्योंकि यदि तुमने विश्वास नहीं किया कि मैं वो हूँ तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह एक भला आदमी होकर गया, एक भला गुरु होकर गया, एक महान मनुष्य होकर गया, एक चंगा करने वाला, दुखों से, संकटों से, दर्द से बाहर निकालने वाला एक मनुष्य धरती पर आकर गया। ये सारी यीशु की पहचान बहुत छोटी सी है और इस पहचान के द्वारा हम पापों की क्षमा नहीं पा सकते हैं। इस पहचान के द्वारा हम अनंत जीवन को नहीं पा सकते हैं यदि हमने यीशु को पहचान लिया कि वो मसीहा है, वो मुक्तिदाता है। जैसे कि प्रेरित चरित्र में लिखा है, आसमान के नीचे धरती पर उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक ही नाम दिया है। एक ही नाम उद्धार के लिए परमेश्वर पिता ने धरती पर एक ही नाम दिया है। यदि हमने उस नाम को, अर्थात यीशु के नाम को जान लिया, पहचान लिया, उसे ग्रहण किया, तो ही हमारा उद्धार हो जाएगा, यानी हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी, हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक धोखादायक बात है, खतरनाक बात है कि आप यीशु को बस चंगा करने वाला या छुटकारा देने वाला प्रभु इतना ही समझोगे। यदि आप उतना ही समझोगे तो आप यीशु के ऊपर एक जादूगर के रूप में देखोगे। जैसे कि कोई जादूगर जादू करता है और कुछ तो करके दिखाता है, वैसे हम प्रार्थना में आते हैं या यीशु को पुकारते हैं और यीशु तुरंत हमारे जीवन में काम कर देता है, पर उतना काफ़ी नहीं है। हाँ, हमें चंगाई की ज़रूरत है, हमें दुखों से बाहर आने की ज़रूरत है, हमें परेशानियों से और समस्याओं से बाहर आने की ज़रूरत है, हमें रोते नहीं बैठना है, हंसना है, हमारी ज़िंदगी को बदलना ज़रूरी है, पर इन सबसे बड़ी बात, हमें पापों की क्षमा मिलना ज़रूरी है, क्योंकि पापों की क्षमा और कोई नहीं दे सकता है, ना ही हम अपनी ताकत से स्वर्ग में जा सकते हैं। कोई भी मनुष्य अपनी खुद की ताकत से स्वर्ग में नहीं जा सकता है। ये यहूदी लोग यीशु को बार बार पूछ रहे थे और हर साल अपने पापों से क्षमा पाने के लिए परमेश्वर के मंदिर में जाकर लहू चढ़ाते थे, जानवरों का लहू, जानवर का लहू परमेश्वर को चढ़ाते थे। क्यों? पापों की क्षमा पाने के लिए, क्योंकि व्यवस्था कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती है। तो हर साल जाकर परमेश्वर को जानवर का लहू चढ़ाया करते थे ताकि साल भर में हमने जितने सारे पाप किए हैं उन पापों से मुक्त हो जाए। पर जानवर का लहू हमें अनंत काल पापों की क्षमा नहीं दे सकता है, और इसीलिए यीशु मसीह धरती पर आया, परमेश्वर का पुत्र इंसान बना और उसने अपना लहू बहाया ताकि अनंत काल के लिए हमारे पाप मिट जाए। और इसीलिए यीशु उनको कहता है, उन्हीं लोगों को जो साल में हमेशा जाकर जानवर का लहू देकर पापों से छुटकारा पाने की कोशिश करते थे, उनको यीशु बता रहा है, यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वहाँ हूँ तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। पापों की क्षमा मेरे द्वारा उपलब्ध है, मेरे लहू में पापों की क्षमा है। उसी ने, यीशु ने क्रूस पर जान दी है, उसी ने लहू बहाया है। हम अपनी ताकत से पापों से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी सोना चांदी हो, कितने भी अमीर हो, हमारा पैसा कचरा है, हमारा सोना चांदी कचरा है। मैं आपको कचरा इसलिए बता रही हूँ कि आप मर जाओगे, सब यहीं रहेगा। हम दुनिया में खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। आप 10 एकड़ जमीन के मालिक होंगे या 100 एकड़ जमीन के मालिक होंगे, मर जाओगे, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं, सारी जमीन यहीं रहेगी। आपका करोड़ों का महल भी यही रहेगा, आपकी लाखों की कार भी यही रहेगी, आपका सोना चांदी सब यही रहेगा, आपका मान सम्मान ये तो कब का खत्म हो जाएगा। आप मर जाएंगे ना, लोग एक दिन आपके बारे में बोलेंगे, दो दिन बोलेंगे, बाद में भूल जाएंगे, बोलेंगे हमें अपने आप का काम करना है, ये तो मर गया पर हमको तो जीना है। चाहे आप कितनी भी सम्मानित व्यक्ति क्यों ना हो, आपके मर जाने के बाद थोड़े दिन लोग आपकी चर्चा करेंगे, बाद में भूल जाएंगे।
और 50 साल के बाद कोई याद ही नहीं करेगा कि ऐसा एक व्यक्ति दुनिया में था। कितने भी बड़े सम्मानित हो गए, 6000 साल में परमेश्वर ने दुनिया को बनाकर 6000 साल हो गए, कितने बड़े बड़े लोग होकर गए, बड़े बड़े लोग होकर गए, हमको तो उनके नाम भी मालूम नहीं है। मान सम्मान ये तो हमारे मरने के बाद तुरंत मिट्टी में मिल जाता है, कुछ काम का नहीं है। ना मान सम्मान, ना सोना चांदी, ना गहने, ना पैसा, ना जमीन, ना महल, ना गाड़ी, कुछ नहीं। ये बातें कुछ मायने नहीं रखती है, हमें इनसे कोई लाभ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात पापों की क्षमा, मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप राजा हो या भिखारी हो, मरने के बाद आपके साथ एक ही हो जाएगा। भिखारी भी मिट्टी ही बन जाता है, राजा भी मिट्टी ही बन जाता है। राजा मरने के बाद उसके शरीर का सोना नहीं बनता है, चाहे वो महल में जिंदगी बिताया है और भिखारी सड़क पर जिंदगी बिताया है। पर भिखारी भी मरने के बाद 24 घंटे के अंदर शरीर से बदबू आना शुरू होता है, क्योंकि अंदर से शरीर सड़ने लगता है। राजा भी मरने के बाद बदबू ही आती है, खुशबू नहीं आती। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है, हम मिट्टी हो जाते हैं। हमारा पैसा कुछ काम का नहीं है। इन सारी बातों से हम पापों की क्षमा खरीद नहीं सकते हैं। एक काम हो सकता है, आपके पास बहुत पैसा है ना, तो मरने के बाद जब आपकी मौत हो जाएगी, उस दिन आपके घर के लोग बहुत खर्चा करके बड़े धाम धूम से आपको जलाएंगे या तो दफन करेंगे, बड़े धामधूम के साथ हो जाएगा। पर इससे आपकी आत्मा को कोई लाभ नहीं होगा। हमारा पैसा हमें पापों की क्षमा नहीं दे सकता है, ना दुनिया का मान सम्मान हमें पापों की क्षमा दे सकता है। लोग हमें आज भला कहते होंगे, मरने के बाद ये हमारा मान सम्मान कुछ काम में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में हम कौन है ये महत्वपूर्ण है, दुनिया की नज़र में कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुद्धिमानी बन जाओ, होशियार बन जाओ। यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है, या दुखों से बाहर निकालने वाला प्रभु है। यहाँ तक ही उसकी पहचान सीमित मत रखो, और केवल उतना ही पाने के लिए उसके पास मत आते जाओ। वो तो आपको मिलेगा, पर आपकी आत्मा का नुकसान हो जाएगा। जब तक विश्वास न करोगे कि वो मसीहा है, वो मुक्तिदाता है, उसके द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिलेगी, और उसके द्वारा मैं अनंत जीवन में जाऊंगा, उसके द्वारा मैं अनंत जीवन में जाऊंगी, ये जब तक विश्वास नहीं करोगे, हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि यीशु कहता है, तुम अपने पापों में मर जाओगे। इंसाफ बाद में हो जाएगा, प्रभु ने रिजल्ट पहले ही बताया है, पहले ही रिजल्ट दे के रखा है। वही आने वाला है ना इंसाफ करने के लिए, तो उसने पहले ही रिजल्ट बताकर भी रखा है। यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वो हूँ, तो तुम अपने पापों में मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को मुक्तिदाता मसीहा के रूप में पहचानो, उसे ग्रहण करो, क्योंकि उसने ही हमारे लिए जान दी है और हमारे पापों को उसने ही उठाया है, उसने ही हमारे लिए लहू बहाया है। उस पर विश्वास करके उसे ग्रहण करो, पापों की क्षमा पाओ, ताकि इस धरती पर हम परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे, मरने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में हमारा प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छू कर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था,
आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए, यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए, शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए, सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इस क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।